अस्सलाम वालेकुम, ग्रिप ऑन ट्रिप का नया एपिसोड। और आज का एपिसोड बड़ा मज़ेदार है। पहले मेरी दुनिया निकल रही है क्योंकि इस एपिसोड के लिए मैंने 6-7 महीने का वेट किया है। सर्दियों में ये एपिसोड हो सकती थी। इस वक्त मैं एक गांव में खड़ा हूँ और आज मैं आपको दिखाऊंगा गुड़ कैसे बनता है। अगर आपने सिर्फ ये टीवी पे बनता देखा है या इंटरनेट पे बनता देखा है तो मेरा आपको ये एक मशवरा है कि आप इसको लाइव बनता भी देखें। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है और इसमें आपकी मुस्कुराहट भी बड़ी लगती है। वो मैं आज लानी है अभी है ना तो सही तरह। और वैसे आपको बताता चलूँ, गुड़ के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। UNO ने चीनी को वैसे ही वाइट पॉइजन डिक्लेयर कर दिया हुआ है और पाकिस्तान में पिछले 3-4 सालों में 1 करोड़ शुगर पेशेंट का इजाफा हुआ है। लोग बड़ा डिस्करेज कर रहे हैं चीनी को और गुड़ की जो डिमांड है उसमें अब इजाफा होता जा रहा है, गुड़ और शक्कर की। तो चलें आज मैं आपको चल के दिखाता हूँ कि गुड़ बनता कैसे है और फिर मैं आपको खा के दिखाऊँगा कि खाइया किवें में। तो मेरे साथ रहिएगा। इस प्रोसेस में सबसे पहले गन्ने का रस निकाला जाता है। और जूस निकालने वाली ये मशीन शहर की मशीन से ज़रा मुख्तलिफ होती है। ज़मीन में गड़ा खोदकर जूस जमा करने के लिए 2 बर्तन रखे गए हैं। बर्तन भर जाने पर इसे बड़ी कढ़ाई में उंडेल दिया जाता है। वहां से जूस फिल्टर होकर अगली कढ़ाई में शिफ्ट हो जाता है जहां इसे पकाया जाता है। सारा प्रोसेस देख रहे हैं गुड़ बनाने का, इसमें 5 से 6 लोग हैं और हर बंदा अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है। तू लंघ जा, मैंने पता ही नहीं ग्रिप ऑन ट्रिप लिंक कर रहे हैं यार, हर अंदर ही जा रहे हैं। खैर, अभी ये जो आप बाबा जी देख रहे थे जो आग लगा रहे थे, उनको पता है कि उन्होंने कितनी आग रखनी है, किस प्रोसेस पे कितनी आग चाहिए, ये उन्हीं को पता है। वो इस चीज़ को देखते हैं, मेक श्योर करते हैं। उसके बाद एक इनके जो सुपरवाइज़र इंजीनियर होते हैं वो देखते हैं कि जी गुड़ में से मैल कब निकालनी है, कितनी निकालनी है, उसमें कितना वो सोडे वाला पानी डालना है और किस वक्त वो उसकी ऐसी कसाफ्त हो गई है कि उसको निकाल लिया जाए। ठीक है, तो ये एक 5 से 6 लोगों का पूरा यूनिट काम कर रहा है और फिर जाके गुड़ बनता है। साड़ी वजह तो 10 घर खानदान जनाबे जेड़े ना रोजी कमा रहे। माशाल्लाह, ते किन्ना को कर लेंदे रोज दा? असि तकरीबन 4 मन 4.5 मन कर लेंदे। अच्छा, रोज दा? रोज दा। ते एथे लाया है? हां जी, एथे। ते की सजे खबे पिंडा तो आंदे ने लोग? ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੰਨੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੁੜ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਚੀੜ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ, ਤੇ ਕਮਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ? ਕਮਾਦ ਮੁੱਲਦਾ। ਕਮਾਦ ਮੁੱਲਦਾ ਹੈਗਾ? ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਆ ਮੁੱਲ ਜਨਾਬ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਦੇ। ਸਹੀ ਸਹੀ, ਚਲੋ ਵਾਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਇਹ ਜੋ ਆਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸਕਾ ਧੂੰਆਂ ਯਹਾਂ ਸੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। और यहाँ पे इन्होंने ये इनका किस्म का फिल्ट्रेशन प्लांट आप समझ लें, ये ऊपर जाली में यहाँ पे वो जूस गिराते हैं, ये जूस खाली नीचे चला जाता है। ये इनका ऑपरेटर सब चेक कर लें, बड़ा सादा। और आगे ये पाइप लगा हुआ है, इसी को ये ऑन ऑफ करके जितनी इनको रिक्वायरमेंट चाहिए होती है ये ले लेते हैं और यहाँ से उंडेल देते हैं इसके अंदर। यहाँ से ये फिर पकना शुरू हो जाता है। आप देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर है।
जूस गाढ़ा होने पर इसमें सरसों के तेल के चंद कतरे भी मिलाए जाते हैं, जिससे गुड़ में चमक आ जाती है। जबकि जूस की मैल निकालने के लिए मीठा सोडा भी शामिल किया जाता है। अब देखिए, अब जैसे जैसे ये पकता जा रहा है, इसकी ये थोड़ा गाढ़ा होता जा रहा है, और पहले जब इसको इन्होंने पकाना स्टार्ट किया था तो ये फुल था। ये जहाँ पे आप बॉर्डर लाइन देख रहे हैं ऊपर वाली, यहाँ तक था। अब ये पकता जा रहा है, गाढ़ा होता जा रहा है और कम होता जा रहा है, और ये इसी थिकनेस का हम वेट कर रहे हैं। ये इसकी थिकनेस चेक की जा रही है कि ये रेडी हो गया है, इसको बाहर निकाला जाए कि नहीं। और ये आइडिया इन्हीं को है, क्योंकि ये इस चीज़ को देखते हैं। इसको अगर जल्दी उतारेंगे ये फिर भी ख़राब हो जाएगा, और इसको अगर लेट उतारेंगे देन भी ये ख़राब हो जाएगा। गन्ने के रस को कढ़ाई से निकालने के बाद मुसलसल हिलाया जाता है, और ये ज़रा नाजुक मरहला होता है, क्योंकि ऐसा ना करने से निज़ाम गैर मुतवाज़न हो सकता है। भाई ना हंसो ना, मैं खानी है। नहीं, मैं अभी गलत। अच्छा जी, ये बड़ा ही ज़बरदस्त तरीका आप देख रहे हैं। इसको गिरने से बचाने के लिए, ये जो स्टिकी सा जूस बन गया है, इसको गिरने से बचाने के लिए आपने इसको रोल करते जाना है। आप ये ना समझें कि गन्ने के बाल काट रहे हैं। इसको अब हम निज़ामे ने हजाम तक पहुंचाएंगे। बाबा जी ने स्पेशली जो स्टिकी जूस था उसके ऊपर लगा के दिया है, और इसको चीड़ कहते हैं पंजाबी में, उर्दू का मुझे पता नहीं है। और इसको आपने देखा, प्रोसेस बड़ा इंटरेस्टिंग था कि इसको आपने घुमाते जाना है ताकि ये गिरे ना। वो काफ़ी घुमा रहा था, और बाद में फिर वो उल्टे अपने उसने सारे बाल निकाले हैं। मैंने भी उसको ज़रा उल्टा सीधा किया, मैं कह रहा हूँ अपने वाटे काट लिया पहले। इसको हम ट्राई करते हैं। वैसे गुड़ से ज़्यादा मज़ेदार तो ये चीज़ लग रही है मुझे, और मुँह जुड़ गया मेरा। ये मैं देख रहा था, जितने लोग लेने के लिए खड़े हुए ना गुड़, वो वेट कर रहे थे और सबने हाथ में अपने गन्ने पकड़े हुए थे। मैं पहले समझा रहे लड़ाई हुई है, लेकिन वो वेट कर रहे थे। ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है, अभी 2-3 किलो हम भी पैक करवाते हैं। बड़ी मज़ेदार चीज़ है, इसको सारा ख़त्म करने के बाद चाहे आप इसकी बांसुरी बना लें। थोड़ी देर में ठंडा होने पर इस निज़ाम को गुड़ की शक्ल दे दी जाएगी। ये मरहला सबसे ज़्यादा मज़े का होता है। लकड़ी के चम्मच से गुड़ को बड़ी नज़ाकत से उठाया और रखा जाता है। बनाई नहीं शक्कर। बनाई थी जी। मैं किधम दी? हाँ जी। लें जी, फाइनल प्रोडक्ट रेडी है। अभी जो उन्होंने इस दफ़ा का अपना निज़ाम लगाया उसमें उन्होंने 70% गुड़ बनाया और 25-30% गचक बनाई है। ये गचक वाला गुड़ है। बहुत ही आला और नहायत सॉफ्ट है, और गर्म है, ताज़ा है, इसलिए जो हम लोग नॉर्मली खाते हैं उससे तो ये बहुत ही डिफरेंट है। तो इस तरह की मैं उनको कहता हूँ कि 25-26 ट्राइयां होर कराओ, ज़रा मैं तुम फाइनल दसाँगा कि हो जाए। कुछ लोग मौके पर ही गुड़ लेने पहुँच जाते हैं। अच्छा भाईजान, बताएं आप यहाँ से गुड़ खरीदने आए हुए हैं? जी भाईजान, हम लोग आए हैं यहाँ से, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम आए हैं? फर्स्ट टाइम मेरे लिए। तो आप क्या लगता है कि जो आपको बाज़ार से मिलता है और यहाँ में कोई फ़र्क है? बिल्कुल फ़र्क है जी, ये बिल्कुल फ्रेश बनाते हैं यहाँ पे, आपके सामने बिल्कुल फ्रेश बनवाया है उन्होंने। बाज़ार से जो होता है वो थोड़ा सा फ्रेश नहीं मिलता, ये फ्रेश होता, अपनी आँखों के सामने बना के लेके जाते हैं तो सही हो जाती है बनाने के लायक। सही सही वजह से यहाँ पे आकर खुद बनवाते हैं। तो आप चीनी को अवॉइड करना चाहते हैं? चीनी को बिल्कुल अवॉइड करेंगे जी, गुड़ जो है वो बेस्ट है चीनी की जो नस्बत।
चीनी आपको आपका पता है वो इससे बेस्ट है, पुराने दौर में भी यही यूज होता था। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, गुड़ बनाने का प्रोसेस और जायका तो आप नहीं बता सकते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही ज़बरदस्त था और बड़ा ही अच्छा था। और मुझे एपिसोड का फीडबैक लाजमी दीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि विलेज लाइफ को मैं मज़ीद कवर करूँ तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ग्रिपोन ट्रिप ने विलेज लाइफ में भी एंट्री मार दी है, जल्द ही आपको मछली के फार्म की सैर कराऊंगा। और अगर आप सैर करना चाहते हैं डोंगा गली के पाइपलाइन ट्रैक की तो यहाँ क्लिक करें। और अगर इरादा रखते हैं इस्तांबुल के खूबसूरत तरीन जजीरे प्रिंसेस आइलैंड की सैर का तो यहाँ क्लिक करें। ग्रिपोन ट्रिप में मेरे साथ रहें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।